This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. देश की ताजा तरीन खबरों को एक नए अंदाज में देखने के लिए तैयार हो जाए आप। नमस्कार, आज 17 दिसंबर है। मैं निशा और मेरे साथ ही पापिया आपका स्वागत करते हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट राजनीतिक खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीपीएससी 2020 के सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए। उन्होंने कहा, आप सब अपने करियर को ध्यान में रखकर लोक कल्याण के लिए खुद को समर्पित करें। सरकार आपके हितों को सुरक्षा प्रदान करेगी। 16 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से दुनिया भर में मैत्री दिवस मनाया, जिस दिन भारत ने 1971 में बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर शांति बनाए रखने का कार्य किया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने बताया कि चंडीगढ़ में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी काम करते हैं, तो हमने ये फैसला किया है कि उन्हें अब स्थायी किया जाए और उसमें ओबीसी आरक्षण भी सुनिश्चित किया जाए, जिससे उनके जीवन में भी बदलाव हो सके और एक अच्छा भविष्य उनके परिवारों और बच्चों को मिल सके। आज 22 समूह जल प्रदाय योजनाओं को 17 जिलों में स्वीकृति दी गई। इसमें 6,117 गांव जहां घर घर में शुद्ध पेयजल नल से पहुंचाया जाएगा, जिससे समय, शारीरिक स्वास्थ्य, श्रम और पैसे का लाभ होगा। इसकी लागत 9,373.99 करोड़ रुपए की है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल एयरपोर्ट पर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि दी। कैप्टन वरुण सिंह हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जीवित रहे अंतिम व्यक्ति थे। बेंगलुरु में उन्होंने कल अंतिम सांस ली। भोपाल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। आइए अब देखते हैं हम सबके कुछ काम की खबरें। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में हर रोज बढ़ोतरी हो रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को 4 नए मामले सामने आए, जबकि गुजरात के मेहसाणा जिले की वीजापुर तहसील के एक गांव में गुरुवार को एक 41 वर्षीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 78 हो गया है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए केंद्र सरकार भी सक्रिय हो गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने गुरुवार को देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन करने वाली कंपनी सेंटियंट लैब्स ने भारत में बनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च की है। कंपनी का कहना है कि इन सभी कंपोनेंट का उपयोग करके 9 मीटर लंबी 32 सीटर वातानुकूलित बस को तैयार किया गया है। माइलेज की बात करें तो कंपनी दावा कर रही है कि ये बस 30 किलोग्राम हाइड्रोजन पर 450 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। हो सकता है कि जल्द ही हमारे यातायात व्यवस्था में इस बस को लॉन्च कर दिया जाए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने कंप्यूटर प्रोग्रामर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। बता दें, उम्मीदवार 24 दिसंबर 2021 से 23 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। LIC गड़बड़ी करने वाले उन संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी जो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया पर उसके लोगों का अनधिकृत इस्तेमाल कर रहे हैं। LIC ने अपने चेतावनी नोटिस में जनता से ऐसी संस्थाओं की पेशकश का शिकार नहीं होने को कहा है जो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मंच पर उसके लोगों का दुरुपयोग कर रही है। भारत में लड़कियों की शादी की उम्र यानी वोमेन मैरिज लीगल एज में संशोधन के लिए पिछले साल बनाई गई टास्क फोर्स की सिफारिशों पर आधारित प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पास कर दिया है, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़कर 21 करने का प्रस्ताव रखा गया है। लिहाजा लड़कियों के विवाह की कानूनी उम्र बढ़ने को लेकर कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कई संगठन इसका विरोध जता रहे हैं। अब जानते हैं खेल संबंधित खबरें।
टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने टीम के दक्षिण अफ्रीका रवाना होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम खुलासे किए। इस दौरान विराट ने बोर्ड के फैसलों पर भी सवाल उठाए और कहा कि कप्तान के मामले में उनसे कोई बातचीत नहीं की गई थी। विराट ने ये भी कहा था कि टीम सिलेक्शन से 1.5 घंटे पहले उन्हें ये बताया गया था कि उन्हें कप्तानी से हटाया जा रहा है। ऐसे में अब BCCI ने इसका जवाब दे दिया है। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने विराट के बयान पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि बोर्ड इस मुद्दे से उचित तरीके से निपटेगा। वेस्ट इंडीज की टीम फिलहाल पाकिस्तान दौरे पर है और वर्तमान में टीम यहां पाकिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज खेल रही है। पाकिस्तान ने ये सीरीज अपने नाम कर ली है, जहां आखिरी मैच का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव आने के अब वनडे सीरीज को स्थगित कर दिया गया है। तीनों मैचों का आयोजन अगले साल यानी कि जून में किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB और क्रिकेट वेस्ट इंडीज CWUI ने एक संयुक्त बयान में कहा कि ये फैसला दोनों टीमों के कल्याण के साथ साथ वेस्ट इंडीज टीम में वनडे के लिए सीमित संसाधनों पर विचार करने के बाद किया गया। बयान में कहा गया कि बुधवार को RT-PCR टेस्ट के बाद वेस्टइंडीज खेमे में 5 और पॉजिटिव मामले सामने आए, जिससे 9 दिसंबर को कराची पहुंचने के बाद से पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 9 हो गई है। कई खिलाड़ियों के COVID-19 पॉजिटिव आने के बाद T20 सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच अधर में लटक गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से शुरू किया गया क्योंकि बाद में किए गए सभी टेस्ट नेगेटिव आए। बता दें कि ये सीरीज मेंस क्रिकेट वर्ल्ड सुपर लीग का हिस्सा है। ऐसे में अब सीरीज स्थगित होने के बाद वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को टीम को बैलेंस करने का मौका मिलेगा। वहीं कई खिलाड़ी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैचों के लिए भी उपलब्ध हो जाएंगे। अब देखते हैं मनोरंजन से जुड़ी खबरें। अब तक आपने दूल्हे को घोड़ी पर चढ़कर बारात के साथ अपनी दुल्हन को लाने के लिए जाते देखा और सुना है, लेकिन बिहार के गया में बेहद गजब तस्वीरें सामने आई हैं, जब हाथ में मेहंदी लगाए दुल्हन खुद घोड़े पर सवार होकर बारात के संग अपने दूल्हे को लेने उसके दरवाजे तक पहुंच गई। दुल्हनिया अनुष्का कोलकाता में इंडिगो एयरलाइंस में एयर होस्टेस है। वो घोड़े पर ही डांस भी करती हुई नजर आई। दुल्हन के इस अंदाज और इस शादी की चर्चा हर तरफ हो रही है। बता दें कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में ये एक आम रिवाज है, जहां दुल्हन घोड़े पर चढ़कर शादी करने जाती है। फिर भी बिहार में ऐसी घटना ने सभी को चौंका दिया। आयुष्मान खुराना बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में से एक है। आयुष्मान खुराना अब जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का किरदार निभाना चाहते हैं। आयुष्मान ने इस बारे में खुद बताया। इस बारे में बात करते हुए आयुष्मान खुराना ने कहा, मैं रियल लाइफ हीरोज से प्रेरित हूँ जो अद्भुत काम करते हैं। अभी मैं नीरज चोपड़ा और उन्होंने दुनिया में जो पाया है उससे बेहद प्रेरित हूँ। उन्होंने हमारे देश को बेहद गौरवान्वित किया है। आइए अब देखते हैं आज की तारीख से जुड़ी एक रोचक जानकारी। आज यानी 17 दिसंबर के दिन अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने पहली बार विमान बनाकर उड़ाया था। इनकी कहानी बयां करती एक वीडियो हमने बनाई है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक ढूंढ सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर कर दे और कमेंट करके हमें अपनी राय दे। मिलते हैं कल नए खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।